हाँ।
जैसा कि आप जानते हैं कि ये किताब की रुनुमाई की तकरीब है जिसके
शायर हैं जावेद इकबाल साहब। जावेद इकबाल साहब के बारे में जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो बैंकर हैं, गार्डेनियन हैं पुराने, डॉक्टर अजमल न्याजी से रफाकते हैं इसीलिए हैं। उसके अलावा इनका बैकग्राउंड है सहाफ़ती एतबार से, अदबी एतबार से, जिस इनके अजीज़ों रिश्तेदारों में बड़ी खिदमत है हम सब की। और वो जो कहते हैं कि इतर फरोश के साथ रहें तो खुशबू आती है, वो खुशबू हम जावेद इकबाल साहब की शायरी में और शख्सियत में महसूस कर सकते हैं। जावेद इकबाल साहब दुनिया में बहुत जगहों पर गए, इनके बारे में वक्तन फवक्तन दरमियान में इनकी शायरी पर और इनकी शख्सियत के हवाले से बातें होती रहेंगी। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज दानिशों की महफिल में मुझे कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। अगरचे मेरा इस मौत से दूर तक कभी वास्ता नहीं रहा कि मैं इस महफिल में चंद अल्फाज बोल पाऊँ। मुजफ्फरगढ़ के छोटे से कस्बे से मैट्रिक किया स्ट्रीट से, तो गोल्डन कॉलेज में आवारे थे मैं जावेद साहब से मुलाकात हुई, बाकी हैं कैमरा इनके क्लास में होने के नाते मुझे जानने का मौका मिला। हमारे उर्दू के प्रोफेसर थे प्रोफेसर मतियुर रजा साहब, खुदारों को जो नसीब रहे, जिन्होंने मैं समझता हूँ कि जावेद साहब की जो उर्दू की समझ है उसमें उनका खासा रोल रहा है। और कॉलेज से बाहर लियाकत रोड पे छोटा सा कैफे होता था आदिल कैफे, याद है जावेद साहब हमें चाय काले खाने ले जाते थे, दो चार शेयर स्मार्ट वापस ले जाते थे। उस वक्त अंदाजा है कि इनमें कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी है जो इनको उद्योग में